दरगाह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की चादर पेश, साथ में भेजा संदेश पत्र। ख्वाजा साहब के 808वें उर्स के मौके पर आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की चादर पेश की गई। दोनों ही नेताओं ने देश में मन चैन की दुआ की और देश में भाईचारा बना रहे ऐसी कामना की। आप ऐसा बताइए, किसकी चादर लेके आए, क्या? अस्सलाम वालेकुम। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 808वें उर्स के मुबारक अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने एक चादर भोपाल से अकीदत के साथ हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में पेश करने की हमें चादर दी है। आज हम वो चादर पेश करने जा रहे हैं। आदरणीय कमलनाथ जी ने चादर के साथ ये संदेश दिया है और ये दुआ मांगी है हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में कि जितने भी वादे मैंने मध्य प्रदेश की जनता से चुनाव के समय किए हैं, वे सभी वादे मैं इन 5 सालों में पूरा कर पाऊँ। साथ ही मध्य प्रदेश में जो किसानों का कर्ज माफ़ी और जो बेरोजगारी, ये जितनी भी समस्याएं हैं, इनका सब हल कर सकूं। साथ ही मध्य प्रदेश की जितनी भी जनता है, सभी खुशहाल रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी अमन व अमान के साथ रहें। साथ ही हिंदुस्तान हमारा देश है और इसके जितने भी राज्य हैं, हर राज्य में खुशहाली हो और देश में अमन शांति रहे। देश में रहने वाला हर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई खुशहाली के साथ अपना जीवन जिए और हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बने। इसी अमन व अमान के संदेश के साथ मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में अकीदत के साथ अपनी चादर पेश करता हूँ कि सभी देश में खुशहाल रहें। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। शेख अलीम, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, पूर्व अध्यक्ष अजमेर दरगाह कमेटी। मोहम्मद साबिर खान, नेशनल सेक्रेटरी लोक जनशक्ति पार्टी। हर साल की तरह इस बार भी चादर लेकर यहाँ पेश हुआ हूँ रामविलास पासवान जी की, और रामविलास पासवान जी हर साल यहाँ चादर भेजते हैं हमेशा की तरह, और इस बार उन्होंने एक पैगाम भी भेजा है, वो पैगाम मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। हमारे देश में अहिंसा, प्रेम और शांति के प्रति स्थापना करने में महान सूफी संतों की समृद्ध परंपरा रही है। यहाँ ऐसे कई तीर्थ स्थान हैं कि जहाँ हर धर्म के लोग आस्था के साथ आते हैं। ऐसा ही एक तीर्थ स्थान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का है, जो कि अजमेर शरीफ में है। हमारे देश की खूबसूरती विभिन्न धर्मों, सांप्रदायिक मान्यताओं और पंथों के बीच सौहार्दपूर्ण अस्तित्व में है। अनेक सूफी संतों, पीर और फकीरों ने समय समय पर देश की शांति, एकता, प्रेम और भाईचारे को हमेशा बढ़ाया है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह भारत की शान हमेशा रही है, आध्यात्मिक परंपरा के प्रतीक भी रहे हैं। सद्भाव और आदर्श के प्रतीक के रूप में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह दुनिया भर में मशहूर हैं। मानवता के प्रति हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की सेवा आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा प्रेरित रहेंगी। इस महान सूफी के 808वें वार्षिक उर्स के अवसर पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी दरगाह अजमेर शरीफ पर चादर और फूल भेजकर मैं अपनी प्रति श्रद्धा और अर्पित करता हूँ। देश की खुशहाली और अमन और चैन की दुआ मांगता हूँ। शुक्रिया। मोहम्मद साबिर खान, नेशनल सेक्रेटरी लोक जनशक्ति पार्टी।